अच्छा शहजाद सुने ना, दानियाल भाई की शादी के फंक्शन आने वाले हैं, उन्होंने हमें इनवाइट किया है। वैसे तुम्हारे ताया से मिलने के लिए एक्साइटेड तो मैं बहुत हूँ, और हमें गिफ्ट भी उनकी हैसियत के मुताबिक देना पड़ेगा। नहीं गिफ्ट को छोड़ दें आप, मैंने हानिया को कह दिया, वो कह रही थी कि वो दानियाल भाई और फातिमा के लिए गिफ्ट अरेंज कर देगी। हानिया? लगता है हानिया की कोई तरक्की हुई है, मेड भी वो अरेंज करके दे रही है, गिफ्ट भी वो महंगे वाला तुम्हें दे रही है, चक्कर क्या आखिर? कुछ भी नहीं। अच्छा चलो लाइट ऑफ कर दो, मुझे नींद आ रही है। शरीफा भी? जी आज मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगी, आप जोया से कहिएगा कि वो तैयार हो जाए, खुद भी तैयार हो जाएगा। जब तक फातिमा की शादी नहीं हो जाती हम मामू के पास ही रहेंगे, बैग्स पैक कर दीजिएगा। हानिया बीबी आपको तो दोनों तरफ के इंतजाम देखने होंगे। हाँ कह तो आप ठीक रही हैं, ताया जान के पास भी कोई इंतजाम देखने वाला नहीं है, ताई जान भी अकेली है। देखिए जरा कौन आया है। अस्सलाम वालेकुम, आइए। हानियाल आप? अच्छा होने। वालेकुम सलाम। मैं ऑफिस जा रहा था, सोचा आपको पिक कर लूं। खामखा तकलीफ की आपने, मेरे पास गाड़ी भी है और ड्राइवर भी। नहीं इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं। आपके लिए कॉफी ले आऊं? श्योर। ले आओ, यकीनन घर से नहीं पी के आया हूँ। प्लीज बैठे। थैंक यू। हाँ नहीं मैंने आपसे कुछ बात करनी थी। पहले आप मुझे ये बताएं कि आप और फातिमा कल शॉपिंग पे गए थे, कैसी रही? यकीनन कल आपकी मुलाकात आपकी अम्मी से हुई होगी। आप क्यों पूछ रहे हैं? मैं जानना ये चाहता था हानिया कि क्या आप अपने आप को धोखा दे रही हैं या आपकी अम्मी मुझे। एक बात बताऊं दानियाल, मुझे पछतावा सिर्फ तब होता है जब मैं किसी को दुख पहुंचाती हूँ या धोखा देती हूँ। मुझे देखो बिल्कुल मुतमईन हूँ, पुरसकून हूँ मैं। हानिया क्या आप अपने आप को धोखा दे रही हैं? जब मैं किसी और के साथ खुदगर्ज नहीं हूँ तो मुझे अपने आप को कोई धोखा देने की ज़रूरत नहीं है। आप झूठ बोल रही।